नमस्कार दोस्तों, इंडिया बायनोकुलर शॉप में स्वागत है। स्पॉटिंग स्कोप हमें चाहिए होते हैं जब बहुत दूर की चीज़ें थोड़ा सा पास से देखनी है, जहां बायनोकुलर्स एक लिमिट तक आपको पास करके चीज़ दिखाते हैं। इनमें कोई लिमिट नहीं होती, लोग बार बार पूछते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप चांद भी देख सकते हैं, सितारे भी देख सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं होती रेंज की। लेकिन जब आप बहुत दूर की चीज़ पास देखना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपके पास बायनोकुलर्स हैं और पावरफुल चीज़ चाहिए, तो स्पॉटिंग स्कोप आते हैं। तो आज हमारे पास ये दो स्पॉटिंग स्कोप्स हैं सागा के। इस पे अगर पास में आएँ तो इसमें ज़रा एक नज़र डालते हैं कि ये अल्टीमा 80 से कितने अच्छे हैं या इनके क्या फीचर्स हैं। ये इस तरह से बॉक्स में आते हैं, दोनों का बॉक्स का कलर बिल्कुल सेम है। साथ में क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं उसमें नज़र मार लेते हैं। इस तरह से आप देखते हैं, एक बैग आता है, एक कैटलॉग है, इसमें मोबाइल फ़ोन अडेप्टर है जो कि मेटल में है। आप ये देख रहे हैं स्क्रू टाइट करने के लिए, कैसे लगना है बाद में बताएंगे। एक ये क्लॉथ है, एक ये टेबल टॉप स्टैंड है जो आप देख रहे हैं, पैन हैंडल वाला, दाएं बाएं ऊपर नीचे के लिए। पहली बात तो ये दोनों जो हैं 80mm के हैं। ये इसका कवर है, अगर आप निकालें तो ये इसकी कोटिंग है। कोटिंग ये मल्टी कोटेड है, पूरा पूरा एंड तक देखिए, सारा सरफेस और पूरा ग्लास जो है इसका कोटेड है। ये इसका आई पीस है यहाँ से, और इसका जो जूम है ये 20 से शुरू होता है, 20-30, आप जितना जूम बनाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। और फोकसिंग की अगर नॉब की बात करें तो ये फोकसिंग नॉब है, ये डुअल फोकसर में है। यहाँ से आपने मेन फोकस करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, उसके बाद आपने बिल्कुल फाइन फोकस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका सन से बचने के लिए है, थोड़ा सा सनलाइट को रोकने के लिए है, तो ये उसके लिए है। ये आप रात में कर रहे हैं और ओस है तो उसको कम करने के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात मेरे को लगी कि इसका ये यहाँ पे जो स्क्रू है होल्ड करने का, आप इसको अपने एंगल में अपने हिसाब से आप घुमा सकते हैं। जूम 20-60x है, बैग और मोबाइल फ़ोन एक्सेसरी के साथ। इसी तरह से दूसरे में नज़र डालें तो ये वाटरप्रूफ में है, फुली मल्टी कोटेड है। कोटिंग्स इसकी चेक कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और ये सनशेड है बेसिकली। दोनों 80mm के हैं। मेन चीज़ है, बहुत बार हमने देखा है कि अपर्चर जो 80 क्लेम किया जाता है वो होता नहीं है, लेकिन हमने नापा तो वो पूरा 80mm था। इसका आईपीस थोड़ा सा बड़ा है, अगर नज़र मारें तो ये आप देख रहे हैं, इसका जो आईपीस है इसके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। तो इसका जो एरिया है वो दोनों का बराबर है, लेकिन ये फुली मल्टी कोटेड ऑप्टिक्स है। अगर आप कोटिंग भी देखें तो ये फुली मल्टी कोटेड है। प्राइस में भी थोड़ा फ़र्क है, यहाँ पे भी डुअल फोकसिंग है, ये मेन फोकस यहाँ से करना और उसके बाद फाइन फोकस आप यहाँ से कर सकते हैं। ये डुअल कलर में, ये ग्रीन कलर में है, इसके साथ भी सेम ट्राईपॉड है और मोबाइल फ़ोन अडेप्टर है। मोबाइल फ़ोन अडेप्टर कैसे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस तरीके से जो मोबाइल अडेप्टर है आप इसको यहाँ पे लगा लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, और स्क्रू से एकदम टाइट कर दीजिए। यहाँ मोबाइल आपका स्लाइड कर जाएगा और बैक साइड से आप टाइट कर सकते हैं, जितना भी आप अच्छे से स्ट्रिक्टली होल्ड करना चाहते हैं मोबाइल, ताकि गिरे ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और फिर अपना कैमरा ऑन करके आप फोकस कर सकते हैं। तो ये दोनों स्पॉटिंग स्कोप सागा के हैं, और 80mm 20-60x कंप्लीट पैकेज, बैग, ट्रिपल टॉप ट्राईपॉड और मोबाइल फ़ोन अडेप्टर जो मेटल में है। दोनों मल्टी कोटेड हैं, एक फुली मल्टी कोटेड वाटरप्रूफ है, हालांकि दूसरे पे भी वाटरप्रूफ कंपनी क्लेम करती है। तो अगर आपको लेने हो इनकी, मैं प्राइस शेयर कर लेता हूँ। ये कंपेरेबल है अल्टीमा 80 से और गो स्काई से या दूसरे ब्रांड से, लेकिन ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जो मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो है लेफ्ट में, ये आपका आपको पड़ेगा 14,500 का। और दूसरा जो इस तरफ से मल्टी कलर्ड देख रहे हैं दो कलर में, वाइट और ग्रीनिश में, फुली मल्टी कोटेड और वाटरप्रूफ में, ये 18,500 का पड़ता है। तो indiabinoculars.com पे ये लगे हुए हैं, अगर आपको लेने हो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कोई क्वेरीज हो, मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। थैंक्स।